नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी 10 मिनट में बनने वाली एक रेसिपी शेयर करूँगी, जिससे आप रोटी, पराठे, पूड़ी कुछ भी खा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 5-6 मीडियम साइज के आलू। आलू को पील करने के बाद मैंने ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आलू आप अपने जरूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और लिया मैंने यहाँ पे 2 चम्मच कसूरी मेथी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हम ले लेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को हम पहले गरम कर लेंगे। तेल जैसे ही गरम हो जाए डालेंगे 1 चम्मच 5 फोड़न। गैस का फ्लेम बिल्कुल हम लो पे रखेंगे। 2 सूखी लाल मिर्च, साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 1 इंच अदरक को ग्रेट करके। पहले हम हल्का फ्राई कर लेंगे और डालेंगे हम यहाँ पे आलू। आलू डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम करके पहले हम 2 मिनट फ्राई कर लेंगे खोल के। आलू कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा, जितना आपको ज़रूरत हो। 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में आलू को फ्राई कर लिया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे 1/4 चम्मच हल्दी। नमक डाल देंगे हम स्वाद अनुसार। साथ ही हम डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च बीज में से चीरा लगा के, और 2 मीडियम साइज के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। एक बार अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करेंगे और ढक के भूनेंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारे आलू सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी पूरी तरीके से हमारे सॉफ्ट हो जाए। लेकिन बीच में खोल के आप 1 से 2 बार स्पैचुला से चला भी लीजिएगा। जब तक हमारे आलू भून रहे तब तक हम दूसरा पैन में डाल लेंगे कसूरी मेथी। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करेंगे और 2 मिनट के लिए हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस तरीके से कसूरी मेथी डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लगातार हमें चलाते रहना है बिल्कुल लो फ्लेम करके, और जैसे ही कसूरी मेथी का कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा हम तुरंत निकाल के एक प्लेट में रखेंगे, क्योंकि पैन काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा और पैन में रहेगा तो ये जल जाएगा। तो देखिए कसूरी मेथी का कलर चेंज हो गया है, हम निकाल के प्लेट में रख लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए और आलू अच्छे से हमारे भून भी चुका है। हम डालेंगे 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर। हल्का तवे में जीरा को रोस्ट कर लिया था और उसके बाद दर दरा मैंने यहाँ पे पीस लिया है। अच्छे से हम भून लेंगे। अब हम पैन को कवर नहीं करेंगे, खोल के 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। फिर एक बार आप इस तरीके से सब्जी को बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा रोटी, पराठे, पूड़ी के साथ खाने में। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च यूज़ किया है। तीखा कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा, जैसे आपको पसंद हो। देखिए टमाटर को भी हम इस तरीके से थोड़ा सा स्पैचुला से मैश करते रहेंगे, और आलू भी हमारे 50% सॉफ्ट हो चुका है। देखिए ढक के हमने आलू को भुना है, इसलिए आलू हमारे जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाएगा। अब हम डाल देंगे यहाँ पे पानी। तो अच्छे से जीरा पाउडर डालने के बाद भून लिया है 2 मिनट, डाल देंगे हम 1 कप पानी और पहले ग्रेवी में 1 बॉयल आने देंगे। ग्रेवी में बॉयल आ चुका है और मैंने दूसरी ओर कसूरी मेथी को भी हल्का इस तरीके से मैंने हथेली से दबा के पाउडर बना लिया है। डाल देंगे हम 2 चम्मच और अच्छे से हम मिक्स करके गैस का फ्लेम मीडियम करके ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। 4 से 5 मिनट हो गए, आलू हमारे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। हम 1 चम्मच से थोड़े से आलू को इस तरीके से हल्का मैश कर देंगे और सब्जी को 2 से 3 मिनट हल्का ड्राई करेंगे हम। और जब तक आप एक बार इस तरीके से सब्जी को बना के नहीं खाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना टेस्टी बन के ये तैयार होता है। तो बस 2 मिनट के लिए सब्जी को हम ड्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए आलू मैंने थोड़े से मैश कर दिया है, हमारा बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देते
और ठंडा हो जाने के बाद सब्जी हमारा थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। देखिए तो चलिए अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी कैसा लगा बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी थोड़ा सा भी पसंद आया आप लोगों को तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।